गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 पीएलएम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री, भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह विदेशी आक्रमणकारियों से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत हम भारतीय यूनानी अर्थात इंडो ग्रीक या फिर उसके पश्चात शक आए, शकों के बाद पहलव के बाद कुषाण जातियां जो भारत में आई, किस प्रकार इन्होंने आक्रमण कर भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह विदेशी आक्रमणकारी जातियों से संबंधित रहेगा, जिनमें शक, पहलव, कुषाण, जातियां प्रमुख रूप से रही थी। तो विदेशी आक्रमण तो उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण जो मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना रही है। उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना रही है। इनमें सबसे पहले आक्रमणकारी जो थे वह थे बैक्ट्रिया के ग्रीक अर्थात यूनानी, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा गया है। तो भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का जो श्रेय है वह डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। इसने 183 ईसा पूर्व में लगभग पंजाब के कुछ भागों को जीतकर साकल तक अपनी राजधानी बनाया था। डेमेट्रियस भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की थी। डेमेट्रियस ने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की थी और यूनानी तथा क्रोस्टी दोनों ही लिपियों के सिक्के इसने चलाए थे। डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइड्स ने कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। फिर आ गया मिंडार 160 से 120 ईसा पूर्व। सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था मिंडार। यह संभवतः डेमेट्रियस कुल से था। उसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया था। मिंडार बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिंडार को वृद्ध वार्ता संकलित है। इसकी राजधानी साकल जो थी शिक्षा का मुख्य केंद्र नहीं थी। स्ट्रेबो ने लिखा है कि यूनानियों ने गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए थे। भारतीय सिक्कों पर पहले केवल देवताओं के ही चित्र अंकित रहते थे, उनका नाम या तिथि उत्कीर्ण नहीं की जाती थी। जब से उत्तर पश्चिमी भारत पर बैक्ट्रिया के यूनानी शासन प्रारंभ हुआ, सिक्कों पर राजाओं के नाम तिथियां भी उत्कीर्ण की जाने लगी। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। वास्तव में सिक्कों के इतिहास की दृष्टि से यह जो काल था काफी अभूतपूर्व रहा था। मिंडार की कांसे की मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। भारत में यवनों का प्रथम आक्रमण जो है पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता में किया गया है तथा महाविका अग्निमित्र में भी इस यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। गांधार एवं मथुरा की बुद्ध एवं बोधि स्तंभों की मूर्तियों पर यूनानी और रोमन कला के जो प्रभाव है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। शक के पश्चात विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक, यवन के पश्चात
शकों का भारत में आगमन हुआ, जो कि एक शक्तिशाली जाति रही थी। तो भारतीय स्रोतों में शकों को सिथियन नाम दिया गया है। भारतीय स्रोतों में शकों को सिथियन नाम दिया गया है। सिथियन नाम शकों को दिया गया है। यूनानियों के बाद शक भारत आए थे। यूनानियों की अपेक्षा शकों का भारत के एक बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित रहा था। चीनी ग्रंथ तथा चीनी लेखकों ने शकों को सही तथा सही बात भी कहा है। भारतीय साहित्य में इनके प्रदेश को शक द्वीप अथवा शक स्थान कहा गया है। शक जो थे पांच शाखाओं में विभक्त थे, जिनमें प्रथम अफगानिस्तान में, दूसरे पंजाब में राजधानी तक्षशिला रही थी, तीसरे मथुरा में, चौथे पश्चिम भारत में और पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्षिण में अपना प्रभुत्व को स्थापित कर लिया था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्र कहा करते थे। शक शासकों की भारत में दो शाखाएं स्थापित रही थी, उत्तरी क्षत्र और पश्चिम क्षत्र। उत्तरी क्षत्र जो तक्षशिला और मथुरा के थे, पश्चिम क्षत्र जो कि नासिक और उज्जैन के थे। पश्चिम क्षत्र अधिक प्रसिद्ध थे। पश्चिम क्षत्रपों में शहराट वंश नासिक में का नहपान तथा कादमरक वंश उज्जैन का। रुद्रदामन जो था सबसे अधिक प्रसिद्ध शक शासक रहे थे। नहपान ने अपने सिक्कों पर अपने आप को राजा लिखा। पश्चिम भारत में राज्य स्थापित करने वाले शकों ने लंबे समय तक यानी लगभग चार सदियों तक शासन किया। उन्होंने गुजरात के तटवर्ती समुद्री व्यापार से काफ़ी लाभ अर्जित भी किया और बड़ी संख्या में उन्होंने चांदी की मुद्राएं भी चलाई। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो राजा था वह रुद्रदामन प्रथम, जिसकी शासन अवधि 130 से 50 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। इसके राज्यकाल में सिंध, कोंकण, नर्मदा नदी और मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बहुत बड़ा भाग इसके साम्राज्य में शामिल था। रुद्रदामन ने गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य भी करवाया। इस झील का जो निर्माण है मौर्य काल में किया गया था। इसके समय सौराष्ट्र प्रांत का जो शासक था वह सुविशाल था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। पूर्व के जो भी लंबे अभिलेख इस देश में पाए गए थे वह सभी प्राकृत भाषा में ही रचित थे। रुद्रदामन ने अपने समकालीन शातकर्णी राजा वशिष्ठि पुत्र पुलमामी को दो बार हराया था, परंतु निकट संबंधी होने के कारण उसे नष्ट नहीं किया। इस वंश का अंतिम जो शासक था रुद्र सिंह तृतीय रहा। गुप्त शासक चांद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसे पराजित किया था और पश्चिम क्षत्रपों के राज्य को उसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अब विदेशी आक्रमणकारी यवन के पश्चात शक भारत आए और शकों के पश्चात जो है पहलव अर्थात हिंद पार्थियनों का भारत में आगमन हुआ था। एक विदेशी जातियों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया था। पहलव अर्थात पार्थियन। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ।
पार्थियाई लोगों का जो मूल निवास स्थान था ईरान था। भारतीय स्रोतों में इन्हें पहलव कहा गया। प्राचीन भारत के अनेक ग्रंथों में इन दोनों जनों शक एवं पहलव का एक साथ उल्लेख किया गया है, जो कि शक पहलव के रूप में मिलते हैं। वस्तुतः इन दोनों ने इस देश पर उस समय तक समान रूप से ही शासन किया था। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक रहा वह था गोंदो वर्नीस, जिसने कि 20 से 41 ईस्वी तक शासन किया था। क्रोस्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते बही अभिलेख में इसे बुदू बहर कहा गया है। फारसी में उसका जो नाम है बिन फर्म है, जिसका अर्थ है यश विजय। गोंदो फर्निस के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे और इनकी राजधानी तक्षशिला थी। पार्थियान राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय अर्थात धार्मिक उपाधि मिलती है। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। पहलव शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वह है मिथिलेटस प्रथम। पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथिलेटस प्रथम था। भारत में पहला पार्थिक शासक जो माहौस था। इस समय इस साम्राज्य का अंत है कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पहलव के पश्चात भारत में आई प्रसिद्ध जाति कुषाण, जिसका प्रमुख शासक कनिष्क प्रथम रहा था। कुषाण वंश तो पार्थियान लोगों के बाद भारत में कुषाणों का आगमन हुआ, जिन्हें यूची या टोचेरियन अर्थात तोखारी भी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थान जो था चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कालांतर में यूची कबीला जो 5 भागों में बंट गया था, इनमें से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। सबसे पहले है कुषाणों का प्रथम शासक कुजूल कैडफसीज। कुजूल कैडफसीज के बाद गद्दी पर बैठा विम कैडफसीज, और विम कैडफसीज के बाद गद्दी पर सबसे प्रमुख शासक बैठे कनिष्क प्रथम 78 ईस्वी में, जिन्होंने की शक संवत चलाया था। तो हमें कुषाणों के दो राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जो एक के बाद एक आए। पहला राजवंश जो है कैडफसीज कहलाता है। कैडफसीज प्रथम के प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति है और पृष्ठ भाग पर उसकी अपनी आकृति। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पहले यूनानी राजा हर्मियस के ही अधीन रहा था। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के डलवाए और महाराज धीराज की उपाधि उसने धारण की थी। कुजूल कैडफसीज के बाद कुषाणों का प्रमुख शासक हुए विम कैडफसीज। इसने भी सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था विम कैडफसीज ने। सर्वप्रथम विम कैडफसीज ने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की थी और बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करवाए थे। उसके बाद कुषाणों ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए। यह शैव मत का अनुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। उसके समय में भारत एवं रोम के व्यापारिक संबंध काफी विकसित थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के हैं विम कैडफसीज के द्वारा ही चलाए गए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कैडफसीज के द्वारा ही चलाए गए थे। इसके पश्चात कुषाणों का प्रमुख शासक कनिष्क प्रथम हुआ, जिसने की 78 ईस्वी में राजगद्दी प्राप्त की थी। इसका समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और महान सम्राट हुआ था, जिसने की कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी, पार्थियानों को पराजित किया था और चीन विजय प्राप्त की थी। अवेंग सांग के विवरण और चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि
कि गंधार कनिष्क के अधीन रहा था। कश्मीर पर अधिकार राज तरंगनी से प्रकट होता है। सुई विहार लेख से सिंध और माणिक्यलाल अभिलेख से पंजाब पर भी कनिष्क का अधिकार स्पष्ट होता है। इतिहास में कनिष्क के नाम दो कारणों से प्रसिद्ध रहे। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो कि शक संवत के नाम से जाना जाता है। आज भी यह संवत जो है भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय संप्रेषण एवं संरक्षण प्रदान किया था। कनिष्क प्रथम सम्राट अशोक की ही तरह उसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसके प्रचार प्रसार में तन मन धन लगा दिया था। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर किया गया था। कनिष्क और अशोक में एक अंतर अवश्य था कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद शांति की नीति अपना ली थी, युद्ध नीति का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया और जनता की नैतिक भौतिक उन्नति के लिए उसने काफ़ी प्रयास किए। जबकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के प्रचार में उसने पूर्वियों की साम्राज्यवादी नीति का परित्याग नहीं किया बल्कि अपने साम्राज्य को और अधिक आगे बढ़ाया था। कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर ही कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इसमें वसुमित्र अध्यक्ष रहे थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म के ऊपर टीकाएं लिखी गई जो कि विभाषा शास्त्र कहलाती थी। कनिष्क के प्रथम राजधानी जो थी पेशावर पुरुषपुर रही और दूसरी राजधानी जो थी कनिष्क के समय में वह थी मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया था। कनिष्क ने काशगार यारकंद खोतान आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया था और महात्मा बुद्ध की अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित करवाया। खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध इंद्र ब्रह्मा एवं कृष्ण की मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। महास्थान अर्थात बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कृष्ण की एक बड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा में कृष्ण की एक प्रतिमा पाई गई है जिसमें उन्हें घुटने तक चोंगा और पैरों में भारी मूर्ति पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध शासक अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्तुक प्राप्त किया था। कनिष्क द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के पर उसे बेली वेदी पर बेली करते हुए दिखाया गया है। मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीन क्षेत्रों को जीत लिया है, यह कनिष्क के द्वारा बात कही गई थी। कनिष्क के दरबार में पाशरव वसुमित्र अश्वघोष जैसे दार्शनिक और नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान रहे थे। कनिष्क के दरबार में पाशरव अश्वघोष जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान, नागार्जुन जैसे विद्वान तथा चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान रहे थे। बौद्ध धर्म की महान शाखा का जो हृदय है और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ था। फिर है भविष्य, इसका शासन 106 से 138 ईस्वी निर्धारित किया गया। तो भविष्य के समय कुषाण सत्ता का जो केंद्र था पेशावर था। भविष्य के समय कुषाण सत्ता का जो केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा तक पहुंच गया था। विश के सिक्कों पर शिव स्कंद और विष्णु आदि देवताओं की जो आकृतियां हैं उत्कीर्ण मिलती हैं। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण निर्मित सिक्के जारी किए और छोटे छोटे व्यापार के लिए तांबे और चांदी की मुद्राएं कुषाणों के द्वारा ही चलाई गई थी। कुषाण शासकों में विम शैव कनिष्क और विष्ण बौद्ध वासुदेव शैव या वैष्णव थे। तो
इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है जो विदेशी आक्रमण से संबंधित है, इसके अंतर्गत यवन, शक, पहलव और कुषाण जातियों का आगमन हुआ और इन्होंने किस प्रकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया, इसकी जानकारी आपको प्रदान की गई। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।